अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने सोयाबीन पेंडिस आयात की अनुमति दी थी, ऐसे में अब खाद्य तेल आयात शुल्क हटाने से सोयाबीन के दाम गिर गए हैं। वहीं लालसवन गांव कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन को 7,000 रुपये दाम मिल रहा था, लेकिन अब कम से कम 4,000, अधिक से अधिक 6,552, तो औसत 6,400 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है। इस तरह 700 रुपये से सोयाबीन के दाम गिर गए हैं। इसके चलते उत्पादक किसान चिंता में डूब गए हैं। पिछले साल सोयाबीन को 10,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिलने से इस बार किसानों ने दाम बढ़ने की आस पर जल्द से जल्द सोयाबीन की बिक्री करने के बजाय चरण चरण में बिक्री कर रहा। वहीं इसके चलते मंडी में बड़े तौर पर सोयाबीन की आवक नहीं हुई है। दरमियान रशिया और यूक्रेन में 3 महीने तक युद्ध शुरू होने से इन दोनों देशों में सूर्यफूल और तेल की आयात नहीं हुई। इंडोनेशिया ने पाम तेल की निर्यात बंद की, इसके चलते खाद्य तेल के दाम बढ़ने से सोयाबीन के दाम भी 3 महीने 7,000 से अधिक रहे। वहीं हंगामा खत्म होने के बाद सोयाबीन के दाम बढ़ने की आस और खरीफ सत्र के लिए बीज और खाद की व्यवस्था करने के लिए किसानों ने सोयाबीन का भंडारण किया था। दरमियान केंद्र सरकार ने सोयाबीन पेंडिस को आयात की अनुमति दी थी, साथ ही खाद्य तेल में आयात शुल्क हटा दिया। इसके चलते सोयाबीन के दाम गिरकर कम से कम 4,000, तो अधिक से ये 6,000 तक पहुंच गए। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल के दाम कम करने के लिए इंडोनेशिया को पाम तेल निर्यात की अनुमति दी, इसके चलते सोयाबीन के दाम 700 रुपये से गिर गए। वहीं आगामी समय में सोयाबीन के दाम ऐसे ही होने की संभावना व्यापारियों ने व्यक्त करने से सोयाबीन का भंडारण करने वाले किसान चिंता में डूब गए हैं। वहीं बता दें कि अधिकतर किसान सोयाबीन का भंडारण करते हैं, परंतु केंद्र सरकार ने सोयाबीन तेल, सूर्यफूल तेल आयात कर टैक्स शुल्क माफ करने का निर्यात लेने से सोयाबीन के दाम दिन ब दिन कम हो रहे हैं। 10,000 रुपये क्विंटल बिक्री होने वाली सोयाबीन आज 6,000 तक पहुंच गई है। इसके चलते किसानों का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने आयात निर्यात नीति निश्चित करते समय किसानों की स्थिति के बारे में सोचना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।